और हम गारंटी के साथ ये दावा कर रहे हैं 47 सीट की तो बात जाने दीजिए, अखिलेश यादव जहां से खुद चुनाव लड़ेंगे वो अपनी सीट पहले बचाने की कोशिश करें। यही समाजवादी पार्टी ने 2012 के मैनिफेस्टो को उठाकर देखिए हमसे वादा किया था कि हम आपको 18% रिजर्वेशन देंगे, आप जेलों में बंद नौजवानों बेगुनाह नौजवानों को हम छुड़ाने का काम करेंगे, हम इनको नौकरियां देने का काम करेंगे, लेकिन आप उस मैनिफेस्टो जो वादा इन्होंने किया और उस वादे को पूरा इन्होंने नहीं किया। उत्तर प्रदेश का हर मुसलमान, दलित समाज, यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज भी जो पढ़ा लिखा तबका है, सारे बैरिस्टर हसनुद्दीन साहब के साथ में है। मुल्क में सीएनआरसी के प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको एक दिन में 26 लोगों को कत्लेआम कर दिया गया, जो आज़ादी से पहले अंग्रेज किया करते थे। हमने ये भी देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में बैठे हुए बच्चों को किस तरीके से हाथ तोड़े गए, हमने ये भी देखा कि दिल्ली जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ क्या जुल्म किया गया। अब हम इस जुल्म से घबराने वाले नहीं है, इन जालिमों से घबराने वाले नहीं। चुनाव में क्यों इस्तेमाल करी जा रही है ये बातें? पुरानी बात कोई नहीं होती है। 5 साल में अगर ये सोचते होंगे कि हम अगर पेट्रोल का दाम घटाने के बाद चुनाव जीत लेंगे या कोटे से चना और वो तेल बंटवा कर हम चुनाव जीत लेंगे, तो ये जनता अब वैसी जनता नहीं है। बनवा के चुनाव लड़ रहे हैं वो एक्सप्रेस वे बनवा के चुनाव, उस एक्सप्रेस वे के दरार की फोटोज भी हम लोग देखते हैं। अब बेवकूफ जनता नहीं है, सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये दिखाती है कि जहां आप वो उतार रहे हैं एयरक्राफ्ट उतार रहे हैं वहीं पर दरारें भी दिखाई दे रही हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार है, जो थानों पर भ्रष्टाचार है, जो दूसरी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुके हैं, इन भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। आज के नौजवान चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो और उनको एजुकेशन के साथ साथ उनको नौकरियां मिले, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, उनको अपना रिप्रेजेंटेशन मिले, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिले। अगर ये सब नहीं मिलती है तो योगी आदित्यनाथ ये लॉलीपॉप देते रहे, तेल का दाम कम कर दे रहे हैं चुनाव आते वक्त और चना और वो बांटने की बात कर रहे हैं, ये कोई अब नहीं देखेगा। 5 साल में जो कुछ भी इन्होंने किया, एक एक बातों को याद दिलाई जाएगी पब्लिक को और इंशाल्लाह पब्लिक उसको याद कर दे, अपने वोट का अधिकार जो है करेगी और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर वोट। आज वैसे आपने काफी लंबी स्पीच दी, क्या लगता है ये स्पीच प्रभाव करेगी, प्रभावित होगी लोगों? बिल्कुल 100% प्रभाव करेगी। और सबसे बड़ी चीज ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 17 में मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ चुनाव नहीं लड़ी थी। 17 में समाजवादी, कांग्रेस, बसपा, सारे तथाकथित सेकुलर पार्टियां लड़ी थी चुनाव, ये 47 सीट पर सिमट कर रह गई थी। अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उत्तर प्रदेश का पूरा नौजवान एक साथ एक मंच पर है और एक साथ मजबूती के साथ वोट देगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जहां भी कैंडिडेट होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताएगा और हम गारंटी के साथ ये दावा कर रहे हैं 47 सीट की तो बात जाने दीजिए, अखिलेश यादव जहां से खुद चुनाव लड़ेंगे वो अपनी सीट पहले बचाने की कोशिश करें। वो 403 पे लड़ रहे हैं, 403 पे लड़ रहे हैं, 403 का सपना भूल जाए मेरे भाई, 403 का सपना भूल जाए। समाजवादी पार्टी जितनी भी सीटें जीतती है मुसलमानों के दम पर जीतती है। अब मुस्लिम समाज का हर नौजवान, अभी आप में भी तो पीछे सपा के लोग दिखाई देते हैं, हर बार कहते हैं हम सपा के, हम सुनने आए खाली। वो सब देखिए, वो सब माइलेज है, देखिए मजलिस, देखिए मुट्ठी भर लोग नाली खलिंजे और कोतवाली की दलाली और हैंड पंप की दलाली करने के लिए अगर माइलेज है तो पूरा उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं है। कह रहे जुम्मन मुसलमान इधर आते, क्या कहेंगे? जुम्मन मिम्मन ये सब कहने की बात, ये सब छोटी छुटभैया वाली बात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये सब बातें नहीं करती है। उत्तर प्रदेश का हर मुसलमान, दलित समाज, यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज भी जो पढ़ा लिखा तबका है, सारे बैरिस्टर हसनुद्दीन साहब के साथ में है। मतलब आपने, अगर जो बीजेपी की साइड जा रहे तो वो पढ़े लिखे नहीं है? बीजेपी की कहानी खत्म हो गई मेरे भाई, और नाली से गैस निकालेंगे 350 भैया, उनका कोई भी उनके जो भी बिल, जो भी कानून वो बना रहे हैं कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, और सिर्फ वो बनाएंगे। और ये सारी बिल की तैयारी जो है कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी के समर्थन से, कांग्रेस पार्टी ने बिल तैयार करके रखा था, इसका इम्प्लीमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँ, अब किससे गठबंधन करेंगे आप लोग, कुछ सोचा हुआ है कि हमारी पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ कह दिया है कि बीजेपी को हराने के लिए हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। लेकिन आप लोग समाजवादी के खिलाफ बात करते हैं, आप लोग राजभर के खिलाफ बात करते हैं, मायावती के खिलाफ बात करते हैं, साथ किसके? बिल्कुल बिल्कुल, इसी को संविधान कहते हैं। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और इस वक्त हम अलायंस में नहीं हैं,
तो हम सबके खिलाफ बात करेंगे, क्योंकि सबने हमको धोखा देने का, सबने इस आवाम को, सबने सरकार चलाई है। आपके साथ आके तो धोखा नहीं दिया उन्होंने? हमारे साथ आएंगे तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम उनकी बुराई भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम उनके साथ चुनाव लड़ते हैं और फिर हम सरकार बनाते हैं तो हम उनको भी गलत करने से रोकेंगे। जो गलत जो उन्होंने साथ है वो सही है, जो आपके खिलाफ है वो गलत है। नहीं, हम ये कब कह रहे हैं, हमारे साथ आएंगे तो सही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सही है उनकी, जो जैसे मुजफ्फरनगर में जब उनसे कहा गया कि इनके खिलाफ आज वहाँ के सांसद ने, आज वहाँ के सांसद को जो है क्लीन चिट योगी आदित्यनाथ ने दिया, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिस वक्त ये घटना हुई थी, अगर ये उसको रिकमेंड कर देते उस पर मुकदमा लिखा जाने का, तो आज वो जेल में होते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये लोग बचाने का काम किए। जब ये बचाने का काम किए हैं तो हम उस बात को उजागर कर रहे हैं कि यही समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर में दंगा होता है और सैफई में डांस होता है, ये बात हम कह रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगा, अगर समाजवादी कल आपके साथ गठबंधन अगर कर लेती तो मुजफ्फरनगर का दंगा भूल जाएंगे? नहीं, हम दंगा नहीं भूलेंगे। हाँ। हम ना मुजफ्फरनगर का दंगा भूलेंगे ना हम हाशिमपुरा का दंगा। हम साथ में रहेंगे तो हम यही कहेंगे, दिल में खंजर बगल में। भाई अगर हम साथ, देखिए कोई आदमी अगर हमारे साथ आया है तो हम उससे ये कहेंगे जो आपने पास्ट में किया, जो आपने भूतकाल में किया है, वो तो आपको गलत, आपको एहसास होना चाहिए। अब भविष्य में आप हमारे साथ अगर हो तो अगर इस तरीके गलती करोगे तो हम आपको टोकने का काम करेंगे। अगर आप मानोगे हमारी बात तो अच्छी बात है, वरना हम फिर वापस हो लेंगे। हम गलत पर साथ नहीं देंगे। हमने जिससे भी केसीआर से हमारा गठबंधन है तेलंगाना में, वहाँ हमारे हक की बातें अगर हम करते हैं तो वो सरकार मानने को मजबूर होती है। इससे पहले क्या हिस्ट्री वहाँ की रही हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब वो हमारे गठबंधन में है तो गठबंधन का धर्म। यहाँ पे आप 90s की बात करते हैं, बिल्कुल भाई, देखिए हम 2013 की नहीं, हम अंग्रेजों की भी बात करते हैं, हम मुगलों की भी बात करते हैं, हम हड़प्पा कल्चर की भी बात करते हैं। ऐसा नहीं हम बात नहीं करें, बात हम सब अपनी हिस्ट्री को, जो बात बीजेपी करती कश्मीर की बात करती तो लोग कहते हैं पुरानी बात खोद रहे, तो MIM क्यों करती फिर इस बात को लेकर? तो बीजेपी कहती है ना, बीजेपी कहाँ की बात करती पता है? बीजेपी तो मनुष्य, नहीं बीजेपी मनुस्मृति की बात करती है। जम्मू कश्मीर की बात भी की उन्होंने 90s में कि वहाँ पे कश्मीरी, आज भी उस कश्मीर में लहू बह रहे हैं। अगर हम ये बात नहीं बोलेंगे तो आखिर कौन बोलेगा? आज भी उस कश्मीर में तमाम हमारे लोगों को मारा जा रहा है। आज भी वहाँ पे नौजवान जो है वो सड़कों पे लाश बन के पड़ी हुई है, वहाँ की औरतें बेवा हो रही हैं, वहाँ की बहनें अपने भाई को मरा लाश उसको उठा रही हैं। ये चीज़ जो हो रही है, ये इन्होंने ही कहा था कि धारा 370 खत्म करने के बाद वहाँ शांति हो जाएगी। अगर हम ये बात उठाते हैं तो किसी को खराब क्यों लगता है? आपने कहा था नोटबंदी खत्म हो जाए, अगर नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आज भी हमारे सैनिक क्यों मारे जाते हैं? आज भी किसानों के बच्चे जो सेना में भर्ती हैं वो बेचारे क्यों मारे जाते हैं? आज भी इस देश में भ्रष्टाचार क्यों है? ये सबको इंसाफ दिलाएंगे? बिल्कुल, हम इंसाफ। उत्तर प्रदेश चुनाव की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश चुनाव में आप लोग बहुत पुरानी बात खोद के मुसलमानों के सामने रखते, तो यही तो इल्जाम लगता है कि आप लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। भड़काने की बात नहीं है, देखिए हमारे मुसलमान कौम, अगर ये तो आप भी मानते हो तालीम में पीछे हैं, डाटा भी कहता है, सेंसस भी ये कहता है कि हम तालीम में पीछे हैं। हम जो है किसी के साथ लग के अपने किसी तरीके से अपना काम चलाते हैं। आज हमारा काम ये है कि हम उनको बताएं कि हमारे साथ किस तरीके से जुल्म और नाइंसाफी की गई। यही समाजवादी पार्टी ने 2012 के मैनिफेस्टो को उठाकर देखिए, हमसे वादा किया था कि हम आपको 18% रिजर्वेशन देंगे, आप जेलों में बंद नौजवानों, बेगुनाह नौजवानों को हम छुड़ाने का काम करेंगे, हम इनको नौकरियां देने का काम करेंगे। लेकिन आप उस मैनिफेस्टो, जो वादा इन्होंने किया और उस वादे को पूरा इन्होंने नहीं किया, उसका नतीजा देख लीजिए। जब इसी उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, 5 सीट ये जीतते हैं, कहां से जीतते हैं? ये मुरादाबाद से चुनाव जीते, रामपुर से चुनाव जीते, आजमगढ़ से चुनाव जीते, संभल से चुनाव जीते। ये कहां, ये सीटें कौन बाहुल्य हैं? ये सब मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। मुसलमानों ने फिर भी इनका साथ दिया, इन पर यकीन किया, इन पर भरोसा किया, लेकिन इन्होंने हमेशा हमारी पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। हम सिर्फ मुसलमानों को ये बताना चाह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को आपको भूलना नहीं है, इन सब चीज़ों को याद रखना है, और याद रखने के साथ साथ इनसे आपको सवाल पूछना है। अगर हम बताएंगे नहीं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नौजवानों को बताएगी नहीं, अपने बच्चों को बताएगी नहीं, अपने बुजुर्गों को बताएगी नहीं, तो कल को जब ये वोट मांगने आएंगे तो हम इनसे सवाल कैसे करेंगे? हम इनसे सवाल करना चाहते हैं। आखिर में जानना चाहूंगा, आप लोग 100 सीटों की बात करते हो, अब अभी आपने बोला कि 403 सीट पे भी लड़ सकते हैं। जिस तरीके से आप लोगों की पार्टी लगातार दूसरी पार्टियों पे इल्जाम लगा रही है, लगता है आपको कि आगे गठबंधन किसी और पार्टी से हो पाएगा? क्योंकि राजभर आपके चले गए। रियाई राजभर समाजवादी पार्टी को क्या कहते पता है? सोशल मीडिया पे वायरल है कि जिसने अगर समाजवादी पार्टी को वोट दिया वो अपनी माँ बहनों के साथ गलत किया ना, घाट करेगा,
आत्मघात किया, ये उनका स्टेटमेंट था। लेकिन आज अखिलेश यादव उनके साथ मंच शेयर कर रहे हैं। पता है क्या रीज़न है? हम मुसलमानों को ना इन्होंने अछूत बना दिया है। ये सिर्फ हमारा वोट लेना जानते हैं, हमको साथ नहीं लेना जानते। ये सिर्फ हमारा वोट लेना जानते हैं, हमारे साथ इंसाफ करना नहीं चाहते। ये सिर्फ हमारा वोट लेना चाहते हैं, हमारे मुद्दों पर बात करना नहीं चाहते। आज हम मुसलमान ये चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ गठबंधन करो तो हमारी शर्तों पर गठबंधन करो। हम CNRC की बात करते रहेंगे, हम उस बच्चे की बात करते रहेंगे जिसे 2.5 फीट अभी देख रहे हैं। ये जेब में मेरे जो कागज़ है ना, इसी जौनपुर की घटना है, एक बच्चे का गला काट कर कुछ लोगों ने मार दिया, पुलिस किस तरीके से विवेचना कर रही है। ये सारी घटना, इसका दर्द सिर्फ हमको है। हमारे वोट के लिए तो सभी लोग आएंगे, प्रियंका गांधी भी आएंगी, राहुल गांधी भी आएंगे, राजभर भी चाहेंगे, समाजवादी के लोग भी चाहेंगे, बहुजन समाज पार्टी भी कुछ लोगों को छोड़ देगी, लेकिन हम वोट सिर्फ और सिर्फ उसी आदमी को देंगे जो हमारे मुद्दों पर बात करेगा। आपके साथ नहीं आता तो आखिर में आप लोग क्या करेंगे? हम आखिर में ये करेंगे कि जितनी सीट पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी मजबूती से हम उनको वोट देंगे, और जिन सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, मैं एक पढ़े लिखे नौजवान होने के नाते लोगों से अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि समाजवादी, बहुजन समाजवादी, कांग्रेस और इन पार्टियों को छोड़कर नोटा पर वोट दीजिए, और इनकी औकात इनको बता दीजिए कि तुम नोटा से भी कम वोट पाने की हैसियत में हो।